तब करीबन करीबन 1857 में स्वतंत्र का संग्राम का प्रारंभ हुआ। अनेक लोगों ने साथ में मिलकर ये सोचा, अनेक लोगों ने साथ में मिलकर ये विचार किया कि ऐसे ही चलता रहा तो हमारी भव्य भारत की गौरवता खत्म हो जाएगी, अखंडता खत्म हो जाएगी। और इसीलिए 1857 में स्वतंत्रता के लिए अनेक सेनानी तैयार हुए, अनेक लोग तैयार हुए जो देश के लिए अपना तन मन धन और सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तैयार थे, यहां तक अपना जीवन भी न्योछावर करने के लिए तैयार थे। ऐसे अनेक लोग भारत देश में तैयार, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। कहीं ना कहीं खानगी रूप से, कहीं ना कहीं अंगत रूप से अंग्रेजों को हटाने के लिए मीटिंग शुरू हुई, अंग्रेजों को हटाने के लिए, यहां से भगाने के लिए सभी साथ में मिलकर के चर्चा विचारना करने लग गए। अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग लेवल पे, अलग अलग जिलों के भीतर अलग 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 कौम के लोग मिलकर के बैठक करने लग गए कि यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे भगाया जाए। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने के स्वतंत्रता संग्राम के चलते भारत में सबसे पहली फांसी किसको लगी? ऐसा कौन व्यक्ति था जो स्वतंत्रता संग्राम के भीतर भारत के लिए अपना तन मन धन और जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार हो गया? ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत के लिए सबसे पहले फांसी की सजा झेली? अनेक लोग ऐसे थे संसार में, भारत देश में, भव्य भारत देश में, जो भारत के लिए तन मन धन और जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार थे। और जहां जहां जिसको जैसा अवसर मिला, हर एक व्यक्ति अपना बलिदान देने के लिए तैयार था। न शहीद भगत सिंह जी को, न चंद्रशेखर आजाद को, न शहीद उधम सिंह जी को, लेकिन जब 1857 में यह वार्तालाप शुरू हुआ कि हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से भगाना है, ब्रिटिश सल्तनत को यहां से भगाना है, और वो वार्तालाप के चलने के बाद तारीख 19 जनवरी 1858 में भारत में पहली फांसी दी गई। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि भारत को बचाने में हर एक जाति का योगदान है, हर एक कौम का योगदान है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जैन भी बाकी नहीं रहे, उनका भी अद्भुत योगदान ये भारत देश को बचाने में। कई लोगों के मन में यह भ्रमना है कि जैनों ने भारत देश के लिए कुछ नहीं किया, मात्र मंदिर बांध दिए, मात्र तीर्थ स्थान बांध दिए, मात्र तप त्याग करके बैठ गए, मात्र हाथ में माला लेकर के बैठ गए, लेकिन जब बलिदान की बात आई तो जैनी पीछे हट गए, जैनियों ने कोई बलिदान नहीं दिया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भव्य भारत के लिए, भारत की अखंडता के लिए, भारत को बचाने के लिए, भारत को स्वतंत्र करने के लिए सबसे पहली फांसी खाने वाला व्यक्ति कौन? सुन लेना कान खोल कर। 19 जनवरी 1858 के दिन, 19 जनवरी 1858 के दिन हरियाणा के भीतर एक व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई गई। मुगल अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, उसने बड़ी मेहनत करी कि ब्रिटिश कंपनी यहां पे ना आवे, वो भारत के पक्ष में उसने बड़ा काम किया। और जब यह व्यक्ति को पता चला कि बहादुर शाह जफर चाहे मुसलमान भले ही हो, लेकिन निश्चित तौर पर मुगल भले ही हो, लेकिन निश्चित तौर पर उसके भीतर में भारत को बचाने की आकांक्षा है, उसको स्वतंत्रता में रस है, इंटरेस्ट है, वो चाहता है कि ब्रिटिश यहां से भाग जाए। और बहादुर शाह जफर जब मुसीबत में आ गया, तकलीफ में आ गया, उस समय एक जैन इंसान उसके पास जाकर के कहता है कि राजा चिंता मत करो, यही हमारे निकट में जो दिल्ली रहा हुआ है वहीं की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं। बहादुर शाह जफर जब तकलीफ में आ गया, मुसीबत में आ गया, तब एक जैन व्यक्ति जाकर के कहता है, राजन चिंता मत करो, सब रास्ते निकल जाएंगे, सारे रास्ते हो जाएंगे, बताओ आपको क्या तकलीफ है, क्या जरूरत है? बहादुर शाह जफर ने कहा कि जरूरत क्या हो सकती है, पैसों की जरूरत है और तो कोई नहीं। कहा कि राजन मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन मेरे पास 3,000 एकड़ जमीन है। आंकड़ा सुन लेना, कितनी? 3,000 एकड़। कहा कि राजन मेरे पास पैसे नहीं है। वो जैन व्यक्ति बहादुर शाह जफर के पास जाता है, राजा चिंतित है, राजा उद्विग्न है, स्वतंत्रता भारत को दिलानी है, उसके लिए जो करना पड़े तन मन धन जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार। बहादुर शाह जफर के पास जाकर के कहता है, राजन मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन 3,000 एकड़ जमीन है, आंकड़ा बराबर सुन लेना, और वो 3,000 एकड़ जमीन मैं आपको सुपुर्द करता हूं, आपको देता हूं, आप अपने भारत को बचाने के लिए मेहनत करिए, आप अपने भारत देश के लिए जो पुरुषार्थ कर सकते हैं करिए।
जमीन बहादुर शाह जफर को दे दी गई। अंग्रेजों को पता चला कि कोई एक व्यक्ति है, वो तो खत्म करने के लिए लगे थे कि हर एक व्यक्ति यहां से खत्म हो जाए, हमारा राज यहां पे संस्थापित हो जाए। और उनको पता चला और उनको ये मालूम पड़ा कि कोई एक जैन व्यक्ति है जो बहादुर शाह जफर को 3,000 एकड़ जमीन देकर के आया है और उसको बेच करके वो भी पैसे बना लेगा और बहुत सारा काम कर लेगा। उन्होंने खोज निकाला वो जैन व्यक्ति को, कहा कि तू वापिस ले ले तेरी जमीन। कहा मैं कोई हालात में वापस लेने के तैयार नहीं हूं, मैं देश प्रेमी हूं, देश से जुड़ा हुआ हूं, देश का भक्त हूं, मैं वापस नहीं ले सकता। कहा कि तुझे फांसी लगा दी जाएगी, अरे आपको जो करना है आप कर सकते हैं लेकिन मैं वापस नहीं ले सकता। समझ लेना इस स्वतंत्र संग्राम में सबसे पहली फांसी किसको लगी। कहा वापिस नहीं ले सकता, कहा कि तो तुझे फांसी दी जाएगी। और वो जैन परिवार का एक ऐसा बंदा जो देश प्रेम से जुड़ा हुआ था, जिसको जिसने उसके गुरु ने सिखाया था कि धर्म सेवा बाद में, देश की सेवा पहले है, देश के लिए तो जितना कर सकता है करने की कोशिश करना, देश को बचाने के लिए तेरे से जितना हो सकता है करने की कोशिश करना। और हरियाणा के भीतर दिनांक 19/1/1858 के दिन वो जैन व्यक्ति को फांसी पे चढ़ाया गया और उसका नाम था लाला हुकमचंद जैन, जो स्वतंत्र संग्राम में सबसे पहली फांसी यदि किसी को लगी तो वो जैन को। मैं ये बताना चाहता हूं कि ये भारत के बचाने के लिए, भारत को गौरवान्वित करने के लिए, भारत की भव्यता को अखंडित रखने के लिए हर एक कौम का योगदान है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख ईसाई, चाहे पारसी, चाहे जैन, हर एक व्यक्ति इसमें जुड़े हुए थे। और इसीलिए आज ये भारत आज भी हमारे सामने अखंडित रूप से खड़ा। कई आक्रमणकारी आए, कई लोग आए, लेकिन कुछ बिगाड़ ना सके। थोड़ा समय जरूर हमारे लिए मुसीबत वाला बना, थोड़ा समय जरूर हमारे लिए तकलीफ वाला बना, लेकिन वापस हमने हमारा पुनः स्वरूप धारण कर लिया, पूर्व स्वरूप धारण कर लिया। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, समझ लेना, उसके बराबर 5 महीने बाद 22 मई 1858 के दिन एक दूसरे व्यक्ति को अंग्रेज पकड़ करके लाए। कहा कि तेरे पर ये आरोप है, यही बाजू में झांसी है, रानी लक्ष्मीबाई। कहा कि तेरे पर ये आरोप है कि तूने 12 साल तक रानी लक्ष्मीबाई के जो सैन्य है उसको वेतन तूने दिया है। तेरे घर के पैसे से जब हम उसको खत्म करने के लिए पड़े हुए हैं, जब उसको हराने के लिए बैठे हुए हैं, तब हमें यह पता चला है कि रानी लक्ष्मीबाई को 12 साल तक उसके पूरे सैन्य को पैसे देने का काम, वेतन देने का काम, सैलरी देने का काम, पगार देने का काम तूने किया है। वो व्यक्ति कहता है कि हां मैंने किया है। कहा तू माफी मांग ले या तो फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार। कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने हमारे देश के लिए किया, हमारे देश के लिए लड़ने वालों के लिए किया है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। कहा कि तुझे फांसी पर चढ़ाया जाएगा, तू माफी मांग ले। वो व्यक्ति ने कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, आप चाहे तो मुझे फांसी पर चढ़ा दे। समझना ये इतिहास हमारी आंखें खोलने के लिए है कि हम क्या कर सकते हैं। हम चाहे, एक व्यक्ति चाहे तो कितना कुछ कर सकता है एक देश के लिए, लेकिन हमारे भीतर वो जागृति नहीं है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, सुना रहा हूं, समझना। 22 मई 1858 के दिन, 1858 के दिन वो व्यक्ति को फांसी के फंदे पर लटकाने की तैयारी की गई। कहा कि अभी भी माफी मांग ले। अंग्रेजों के पास बहुत सारे रास्ते थे माफी मंगवाने के। उन्होंने एक काम किया, उसका 18 साल का एक बेटा, जो व्यक्ति ने मदद करी थी उसका 18 साल का एक बेटा, उसको उठा करके लेकर के आए और उसको तोप के सामने खड़ा रख दिया। कहा कि अभी भी माफी मांग ले वरना तेरे बेटे को मार दिया जाएगा। कितना ही सुरवीर आदमी हो, कितना ही धुरंधर आदमी हो, कितना ही शक्ति संपन्न आदमी हो, लेकिन जब सामने पता चले कि बेटा तोप के आगे रखा हुआ है और कभी भी ट्रिगर दबी नहीं, बेटे के 12 बज जाएंगे, चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, कितना भी सुरवीर आदमी वहां पे कहीं ना कहीं झुकने को तैयार हो जाता है। ये व्यक्ति के जीवन में भी यही हालात बने। बेटा तोप के सामने रखा हुआ है और बेटे को लगा कि पिताजी झुकने की तैयारी कर रहे हैं, पिताजी माफी मांगने की तैयारी कर रहे हैं। तभी अखंड भारत का 18 साल का बेटा वहां से बोला था, सामने पिताजी फांसी के फंदे पर है, सामने बेटा तोप के आगे खड़ा हुआ है। और वहां पे खड़े रह करके बेटे ने ललकार किया था कि बेटा पापा पापा समझ लेना।
बेटा कहता है कि पापा पापा समझ लेना, यदि आपने माफी मांग ली तो मैं कुत्ते का बच्चा हूं, और यदि आपने माफी नहीं मांगी तो मैं शेर का बच्चा हूं। कहा कि पिताजी समझ लेना, माफी मत मांगना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत हो जाए, चाहे मुझे मृत्यु दंड दिया जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। और पिता वापस उसके भीतर एक ताकत आ गई कि देश के लिए हम शहीद होने को तैयार है, और उसके सामने उसके बेटे के ऊपर तोप दाग दी गई, उसको मार दिया गया, उसके चिथरे चिथरे उड़ा दिए गए, और उसके बाद तुरंत उसको फांसी दी गई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये दूसरा व्यक्ति भी जिसको अंग्रेजों के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में फांसी दी गई उसका भी नाम था लक्ष्मीचंद जी बाठिया, समझना, अमरचंद जी बाठिया, मिच्छाम यही ग्वालियर के, आपके बाजू में ग्वालियर, और ग्वालियर के खजानजी वहां के राजा के खजानजी थे अमरचंद जी बाठिया, और उनको अंग्रेजों के द्वारा दूसरी फांसी दी गई। हर एक व्यक्ति का योगदान है देश को बचाने के लिए है, और जब स्वतंत्रता दिवस हमारे सामने है तब हमें याद करना चाहिए कैसे कैसे लोगों को बलिदान के ऊपर दिया गया, बलिदान चढ़ाया गया, तब जाके आज हमारा भारत देश अखंडित है, तब जाके आज हम यहाँ पे बैठ करके शांति से अपना जीवन जी सकते हैं। और समझ लेना, चाहे जैन धर्म हो, कई लोगों के दिमाग में ये भ्रमणा है जैनों ने कोई बलिदान नहीं दिया, जब आप शहीदों की लिस्ट निकालोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ करीबन 500 से ज्यादा नाम आपको ऐसे मिलेंगे जो जैन थे और उन जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। सेव नेशन पर आज बात कर रहे हैं, क्या करें हम देश को बचाने के लिए। अनेकों लोगों ने अपना तन मन जीवन न्योछावर कर दिया, तन मन जीवन खत्म कर दिया, हम क्या कर सकते हैं हमारे देश को बचाने के लिए, उसकी बात मुझे आज कर। क्या ताकत भारत के भीतर है जो आज भी भारत को जीवंत रखती है, आज भी भारत को गौरवान्वित रखती है, आज भी भारत को अद्भुत बनाती है, ऐसी क्या ताकत है? मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि भारत का इतिहास गौरवपूर्ण था, समझना। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि भारत का इतिहास गौरवपूर्ण था, मैं आपको यह कहना चाहता हूं भारत का इतिहास तो गौरवपूर्ण था, भारत का वर्तमान भी गौरवपूर्ण है, और भारत का भविष्य भी गौरवपूर्ण होने वाला है, ये हमारी ताकत है। और अनेकों लोग आए आकर के चले गए, भारत का कुछ बिगाड़ ना सके, और इसीलिए मैं आपको आज 5 चीजें बताने वाला हूं जिसने भारत को जीवंत रखा, ऐसी 5 ताकत जो भारत देश के भीतर है, इसलिए आज हमारा देश बचा हुआ है। वरना दुनिया में आपको पता ना हो तो बता दूं, कई देश दुनिया के नक्शे से गुम हो गए, किसी को भनक तक नहीं लगी, पूरे पूरे देश खत्म हो गए। इतना इतिहास किसी के पास नहीं है, इतना लंबा चौड़ा इतिहास हजारों साल का। अरे यहां पे जब खुदाई की जाती है तो 5-5 हजार 7-7 हजार वर्ष पुराने अवशेष मिल जाते हैं हमारी आंखों के सामने। यहाँ पे हजारों मंदिर ऐसे हैं जिसको यदि आज भी साइंस आकर के चेक कर ले, आज भी साइंटिस्ट आकर के चेक कर ले तो पता चले कोई 4000 वर्ष पुराना, कोई 5000 वर्ष पुराना, कोई 10000 वर्ष पुराना, ऐसे ऐसे मंदिर यहाँ पे खड़े हुए हैं। इतनी भव्य भारत की सांस्कृतिकता थी, इतनी भव्यता भारत की थी, इतनी भव्य परंपरा भारत की थी, और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझ लेना, भारत का इतिहास गौरवपूर्ण था, भारत का वर्तमान भी गौरवपूर्ण है, और भारत का भविष्य भी गौरवपूर्ण बनने। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।